आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने ब्लॉग पोस्ट को गूगल डिस्कवर फीड में ले जा सकते हो और वहाँ से अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकते हो। मैं 7 पॉइंट यहाँ पे बताने वाला हूँ और इन 7 पॉइंट को फॉलो करके आप अपने आर्टिकल को, अपनी वेबसाइट के पोस्ट को गूगल डिस्कवर में भेज सकते हो। बस इस पॉइंट को, जो 7 पॉइंट बता रहा हूँ, उसको आप अच्छे से फॉलो कर लेना, ठीक है? तो पूरा वीडियो के साथ बने रहना। एंड जिन लोगों का गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा है, ठीक है, उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे बेस्ट एडसेंस अल्टरनेटिव के बारे में बताया। इंस्टेंट अप्रूवल मिलेगा और वो अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ आई बटन पे है, ठीक है? अब आते हैं अपने पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट है, डिस्कवर फीड में जाने के लिए आपको क्या करना है, ट्रेंडिंग टॉपिक को फाइंड आउट करना है और उस पर काम करना है। तो ट्रेंडिंग टॉपिक कहाँ से मिलेगा, गूगल ट्रेंड्स में आप जाइए और यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि अभी देखिए, पंचायत सीजन 3 रिलीज डेट, ये ट्रेंड कर रहा है। पंचायत वेब सीरीज आपको भी पता है कितना ज़बरदस्त है और यहाँ पे ये इससे रिलेटेड कीवर्ड अब ट्रेंड होने वाले हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर आप अपना ब्लॉग बना सकते हो, पोस्ट बना सकते हो। सऊदी प्रो लीग देखो, SSC रिजल्ट 2024, महाराष्ट्र बोर्ड, T20 वर्ल्ड कप, तो अलग अलग अभी ट्रेंड में चीज़ें चल रही हैं। तो आप इन ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़िए और उस पर पोस्ट लिखिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाओ कि हमारी साइट के जो पोस्ट हैं वो डिस्कवर में जा पाएँ, ठीक है? अगर आपको अपने नीच से रिलेटेड इसमें ट्रेंडिंग चीज़ें नहीं मिल रही हैं, एक्सप्लोर बटन पर क्लिक करो। एक्सप्लोर बटन पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ से अपने नीच को यहाँ पर लिखो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं बता देता हूँ, बोनस, ठीक है, ये इंटरनेशनल कीवर्ड हो जाएगा इसमें। नहीं, हम यहाँ पे बेसिकली निकाल देते हैं ना, अर्न मनी ऑनलाइन ही लिख देते हैं, ये जनरली लोग सर्च करते हैं, ठीक है? अर्न मनी ऑनलाइन मैंने यहाँ पे लिखा, अर्न मनी ही केवल लिख देते हैं, ठीक है? सर्च कर दिया और यहाँ पे आपको क्या करना है, पास्ट 12 मंथ है तो आप पास्ट डे कर लीजिए, तो रिसेंट में क्या ट्रेंड कर रहा है वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगा, ठीक है? पे जो है, उसी तरह से यूजर टेस्टिंग, टास्क रैबिट, ठीक है, ओ अर्न मनी से रिलेटेड ये सारी है, मनी अर्न 24 ये देख सकते हो, रेफर एंड अर्न सॉफ्टवेयर, ये चीज़ें, प्ले चेस एंड अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी बाय प्लेइंग गेम्स, ठीक है, हाउ टू अर्न मनी बाय वॉचिंग एड्स, वाई सेंस, तो ये सारी चीज़ें ट्रेंडिंग में हैं। तो इनके ऊपर बेसिकली आप यहाँ पे अपना ब्लॉग पोस्ट बना सकते हो। तो अपने नीच से रिलेटेड भी यहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पे, हाई क्वालिटी इमेज को आप यूज करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारा ये ब्लॉग है bloggingskill.com, तो इसके अंदर जो इमेजेस वगैरह हैं वो हाई क्वालिटी है। चलिए गूगल एडसेंस अप्रूवल चेकलिस्ट पे हम इसे एक बार ओपन करते हैं और आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि हाई क्वालिटी एड्स, हाई क्वालिटी इमेजेस, यहाँ पे देखिए ये फीचर्ड इमेज है, देखिए काफ़ी क्लियर है। मतलब हाई क्वालिटी होने का मतलब ये है कि इमेज आपका क्लियर होना चाहिए, लेकिन जो साइज होनी चाहिए KB में, MB में जो साइज होती है वो कम होना चाहिए ताकि वो लोड फास्ट करे, ठीक है? ये देख सकते हो इमेजेस काफ़ी अच्छे यूज किए गए हैं। तो इमेजेस हाई क्वालिटी के आपको यूज करने हैं, इससे बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं आपके गूगल डिस्कवर में जाने के, ठीक है? थर्ड पॉइंट है हमारा, सेट मैक्स लार्ज इमेज। जब भी आप कोई इमेज यूज कर रहे हो अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर, चलिए मैं दिखा देता हूँ, तो उसे लार्ज सेट करना है। जैसे ये देखिए, ये मैंने पोस्ट एडिटर ओपन किया है, तो ये जो हमारी इमेज है ना, आप देख सकते हो ये इमेज यहाँ पे देखिए, रिजोल्यूशन जो है वो लार्ज सेट किया गया है। अगर ये लार्ज नहीं सेट करेंगे तो गूगल डिस्कवर में जाने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो आप जो भी इमेज यहाँ पे अपलोड कर रहे हो उस पर क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए पोस्ट के बगल में ब्लॉक है, ब्लॉक पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिजोल्यूशन मिलेगा, तो उसे आपको लार्ज सेट कर देना है। इससे आपको यहाँ पे डिस्कवर फीड में जाने के चांसेस इंप्रूव होंगे, ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है? आते अपने पॉइंट नंबर 4 पर, वो है हमारा 3-5 क्वालिटी कंटेंट डेली आपको लिखना है। इससे क्या होगा, जब आप डेली पोस्ट लिखते हो ना, तो इससे यहाँ पे एक तो इंडेक्सिंग फटाफट होती है। जैसे आप पोस्ट लिखते हो, 2-5 मिनट में आपके पोस्ट गूगल में इंडेक्स हो जाते हैं, रैंक हो जाते हैं और आपको मैक्सिमम ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है, अगर आप डिस्कवर से ट्रैफिक चाहते हो तो फ्रिक्वेंटली 3-5 पोस्ट डेली जाने चाहिए, ठीक है? वो भी फ्रिक्वेंटली, जल्दी 1-2 घंटे में जाते रहना चाहिए, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो डेली पोस्ट लिखना है आपको, 3-5 पोस्ट
पांचवा हमारा पॉइंट है वेबसाइट की स्पीड। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं है तो फिर आपको समस्या होगी, आपकी वेबसाइट पे यूजर जल्दी ज़्यादा देर तक रुकेंगे नहीं, यूजर एक्सपीरियंस ख़राब होगा। तो वेबसाइट की स्पीड को आपको बढ़ाना है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है कि कैसे आप वेबसाइट की स्पीड बढ़ा सकते हो एक क्लिक में। तो यहाँ पे बेसिकली मैं दिखा देता हूँ, मैंने जल्द ही वीडियो बनाया है और बिल्कुल फ्री में बढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको कोई पैसा देना है, ठीक है। एक क्लिक में वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाती है। ये देखिए, ये है वीडियो, एक मैं 2 महीने पहले बना था वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने के लिए। तो आप चैनल पे जाओगे तो ये सारी ये वीडियोज़ जो हैं वो मिल जाएंगे आपको। एंड वेबसाइट की स्पीड में आपको पेज इनसाइड दिखा देता हूँ। देखो डेस्कटॉप पे 99 स्कोर आ रहा है एंड मोबाइल पे मैं दिखा देता हूँ, मोबाइल पे 88 आ रहा है। मतलब ये कोई बहुत बुरा स्पीड नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे AMP नहीं यूज कर रहे हैं। एंड डेस्कटॉप पे भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, मोबाइल पे भी 88 है। अगर यहाँ पे 2 पॉइंट और इम्प्रूव कर दें तो ये भी ग्रीन हो जाएगा टोटल। फिर भी ये कोई भी, ये जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हो मोबाइल वर्जन में भी कोई बुरी बात नहीं है, काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो आपको स्पीड पे ध्यान देना है। पॉइंट नंबर सिक्स हमारा है यूजर एक्सपीरियंस। अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो उसका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, ऑडियंस को आपके कंटेंट को नेविगेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इजीली वो नेविगेट कर पाएँ और ओवरऑल वहाँ पे जाएँ तो वो देर तक आपकी वेबसाइट पर रुके, आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन उन्हें पसंद आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी डिज़ाइन आपको बनाना है। पॉइंट नंबर सेवन है ट्राई वेब स्टोरेज। आप चाहो तो अपनी वेबसाइट के लिए वेब स्टोरेज भी बनाना शुरू कर सकते हो और वेब स्टोरेज बनाकर भी आप पैसे बेसिकली पैसे भी कमा सकते हो और गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक भी ले सकते हो। देखो वेब स्टोरेज आप कैसे बनाओगे, ये सारी वीडियोज ऑलरेडी पड़ी हैं चैनल पे, आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो कि वेब स्टोरेज बेसिकली कैसे बनती हैं। देखो बहुत से लोग तो वेब स्टोरेज बनाना बता देंगे लेकिन देखो वेब स्टोरेज में ना अभी के टाइम पे ना चीज़ें बदलती रहती हैं, जैसे एडसेंस एड्स है वेब स्टोरेज में, तो थोड़े बहुत स्लाइड लगाओगे ना तो एडसेंस एड्स दिखेंगे नहीं आपके वेब स्टोरेज में। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि वेब स्टोरेज जो बना रहे हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड्स आप यूज करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड यूज करोगे तो आपके यहाँ पे बेसिकली वेब स्टोरेज पे अर्निंग भी होना शुरू हो जाएगी, ट्रैफिक भी आएगा अर्निंग भी होगा। और ब्लॉगिंग, SEO, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड आप कंटेंट देखना चाहते हो, ब्लॉगिंग सीखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये 7 पॉइंट अभी आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो, देख सकते हो 7 पॉइंट है, इन 7ों पॉइंट को आपको अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करो आप, यहाँ पे गूगल डिस्कवर से आपको ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।